फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय विंडो पर, जिसमें मैं बता रही हूँ आपको आज एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जिसे मालवा में कहते हैं पतेवड़ी, और आप इसे दूसरा अपना नाम दे सकते हैं। इसे हम बेसन के साथ बनाएंगे छाछ में, इसे हम बघार लगाएंगे। तो आप इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ पर करीब ये जो कटोरी है इसमें आधी से थोड़ी कम कटोरी हमने यहाँ पे बेसन डाला है और इसे इस तरह से पानी डाल के मिला लिया है। ये देखिए इसे अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है, हमारा तेल बहुत ज़्यादा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राई और हमारा नॉर्मल जो हम बघार लगाते हैं वो हम लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और हम ये हमारा बेसन इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, चाहे तो आप इसमें बघार में भी डाल सकते हैं। जब आप इसमें हल्दी और मिर्ची डाल रहे होते हैं तभी हम हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने तुरंत इसमें बेसन डाल दिया है। अभी हमारा पानी थोड़ा इसमें कम हो गया है, इसको हमें बेसन को थोड़ा पकाना है। करीब 10 मिनट हमें बेसन को पकाना है, इसलिए हम इसमें और पानी डालेंगे और इस तरह से पानी डालकर हम इसे बेसन को थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देंगे। हमने इसे ढक दिया है, अब ये पकेगा 5 से 6 मिनट के लिए पकेगा। हमने इसकी आंच बंद कर दी थी पूरी क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो अभी 5 से 10 मिनट ये थोड़ा पक जाए फिर हम आगे के स्टेप बताते हैं। देखते हैं हमारा बेसन सीझा नहीं, सीझ गया है और इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रखा था और ये इस तरीके से पक चुका है। अब हम इसको एक थाली में निकाल के जमाएंगे। ये हमने एक थाली ली है, अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे थाली में, ग्रीस कर लेंगे इसे थाली को अच्छी तरह से। ग्रीस कर लिया है हमने इसे और अब हम हमारा ये जो बेसन है ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाना चाहिए, सीज पक जाना चाहिए और अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे। और इसमें निकाल कर हम इसे इस तरह से फैला देंगे जैसे हम चक्की जमाते हैं। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फिर कट करेंगे। हमारी ये जो बेसन हमने रखा था ये सेट हो गया है, करीब इसको लगे हैं 5-6 मिनट लगे हैं इसको सेट होने में। अब ये सेट हो चुका है तो अब हम इसे कट करते हैं। इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे बर्फी रहती है उस हिसाब से हमें इसे कट करना है सारे पीसेस को। उसे कट कर लिया है और अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ही निकल गई है, इस तरीके से ये बेसन की चक्की जैसी जम जाएगी। तो हम सारे ऐसे बेसन का ये जो कटा हुआ है इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये हो चुका है हमारा, तो अब हमने यहाँ पर गैस एक और कढ़ाई रखी हुई है और उसमें तेल डाला हुआ है अलग से। अब हमें छाछ को फ्राई करना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा
थोड़ी सी राई, आप जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और हम इसमें चाहें तो हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च। हमारी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हो गया है, आप चाहे तो उसमें हल्की सी सौंफ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर करीब आधा चम्मच और हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें हमारी ये जो छाछ है इसमें हमने कुछ नहीं डाला है अभी, इस छाछ को हम इसमें देखिए छाछ को हमने बघार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये हमारी जो छाछ है ये बघार चुकी है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची से हमने हींग डालकर इसे फ्राई किया है, और अब हमने जो सामान्य मसाले से डालकर ही जो बेसन जमाया था, हल्दी लाल मिर्च ये सब डाला था, हमारा जो रेगुलर मसाला है, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे इस छाछ में। ये देखिए ये हमारी जो है मालवा की डिश जिसे हम पतेवड़ी कहते हैं ये बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, आप जितनी चाहें स्वाद अनुसार एक दो चम्मच, नहीं तो आप बिना शक्कर के भी खा सकते हैं, और शक्कर अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। सर्विंग बाउल में हमने इसे निकाल लिया है, और ये देखिए ये हमारी जो पतेवड़ी है बेसन की बिल्कुल गली नहीं है, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मालवी पतेवड़ी बनकर तैयार है, और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, आप इसे खाइए रोटी के साथ या चावल के साथ गर्मा गर्म, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय।